हेलो साइबर वॉर्म्स, वेलकम बैक। मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं नीट रूट्स। और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे आप वेब सर्वर्स की मेटा फाइल्स को निकाल सकते हैं। आप सभी लोगों ने robot.txt के बारे में तो सुना ही होगा, बट जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं, robot.txt एक तरह का मेटा फाइल होता है जो कि सभी वेबसाइट्स यूज करती हैं अपने वेबसाइट को डेवलप करने में। मेटा फाइल की हेल्प से आप किसी भी वेबसाइट की बहुत ही इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी को निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो आप किसी वेबसाइट पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं और आपको वहाँ का मेटा फाइल्स मिल जाता है। मेटा फाइल नॉर्मल पीपल के लिए एक्सेसिबल नहीं होता है, बट उसको डेवलपर को इंटरनेट पर रखना पड़ता है, क्योंकि बिना मेटा फाइल के वेबसाइट्स रन नहीं करती है। 90% ऑफ द वेबसाइट्स यूज मेटा फाइल्स, और उन्हीं में से एक है robot.txt, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। robot.txt का यूज करके आप बहुत ही इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप किसी वेबसाइट पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं और वहां पर आपको उस वेबसाइट की robot.txt मिल जाती है, और उसके बाद आप वहां पर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और एक्सप्लॉइटेशन कैसे करना है, उन सभी स्टेप्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। सो इस वीडियो को आप ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कोई एरर ना आए। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। सो गाइस, ब्राउज़र पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है google.com, एंड देन यहाँ पर जस्ट आपको टाइप करना है www.google.com/robots.txt एंड देन इंटर। और यहाँ पर आपको जो फर्स्ट में लिंक मिलेगा उसको आपको ओपन करना है। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास robot.txt फाइल्स आ चुकी हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि ये देख रहे हैं यूजर एजेंट, और यहाँ पर जो स्टार लगा है, स्टार का मतलब होता है कि ये एक तरह का स्पेसिफिकेशन ऐड कर देता है। जैसे कि आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे हो तो वो सिर्फ आपको google.com पर ही सर्च करने को मिलेगा, बिंग या फिर DuckDuckGo और जैसे कि सोडान सर्फिंग, वहाँ पर आप सर्च नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपका काम नहीं होता है, जो डेवलपर होते हैं उनका काम होता है। यहाँ पर वो अपने हिसाब से कोई भी सर्च इंजन ऐड कर सकते हैं या फिर उसको रिमूव कर सकते हैं, और इसी की मदद से डार्क वेब पर वेबसाइट्स को होस्ट किया जाता है, जहाँ पर जो डेवलपर होते हैं वो DuckDuckGo और टॉर ब्राउज़र को यहाँ पर स्टार की जगह पर ऐड कर देते हैं और जो गूगल सर्च है उसको रिमूव कर देते हैं। इसी तरह से ये जो डिसअलाउ का ऑप्शन है यहाँ पर, ये स्पेसिफाई करता है कि आप इस चीज़ को क्रॉल नहीं कर सकते हैं, लाइक जो गूगल बॉट्स होते हैं या फिर जो भी सर्च इंजन के बॉट्स होते हैं वो ऐड के लिए आपकी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, बट डिसअलाउ का बटन उस स्पेसिफिक डोमेन को वहाँ पर बॉट्स से बचाए रखता है या फिर वहाँ पर उसको क्रॉल करने का परमिशन नहीं देता है। और जिस डोमेन पर ये अलाउ का बटन लगा रखे हैं वहाँ पर जो गूगल बॉट है या फिर और भी जैसे कि अमेजन बॉट्स, वो सभी यहाँ पर अपना एड्स चला सकते हैं, बट डिसअलाउ बटन वहाँ पर उन सभी बॉट्स को रिमूव कर देता है या फिर क्रॉल करने का परमिशन नहीं देता है। तो इसी तरह से हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे सब डोमेन्स हैं जिस पर हम क्रॉलिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास अलाउ और डिसअलाउ दोनों का बटन है। तो इससे आप यहाँ की वल्नरेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं /map.htt?, तो इसको आपको कैसे यूज करना है उसके बारे में मैं आगे कुछ मिनटों में प्रैक्टिकली शो कर दूंगा। और फिर हम देख लेते हैं दूसरी वेबसाइट, जैसे कि मैं यहाँ पर टेस्ला को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा www.tesla.com और उसके बाद /robot.txt और फिर इसको मैं इंटर कर दूंगा। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास इसका robot.txt आ चुका है। तो यहाँ पर आपको क्रॉल डिले भी मिल जाता है, और इसी तरह से आप यहाँ पर यूजर एजेंट में स्टार ऑप्शन भी देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको अलाउ का जितने भी सब डोमेन से जहाँ पर आप सर्फ कर सकते हैं वो सभी यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। और नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको डिसअलाउ बटन भी दिख जाएंगे, जहाँ से आप जान सकते हैं कि इस सब डोमेन्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं या फिर इसको आप अपने ब्राउज़र में ओपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे सब डोमेन्स होते हैं जो कि सिर्फ जो डेवलपर है उनसे ही एक्सेसिबल होते हैं। जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बट हम इसको एक्सेस करना देखने वाले हैं। सो गाइज, इसके लिए हमारे पास दो स्टेप्स है। सो द फर्स्ट मेथड इज़ आपको यहाँ पर जूसी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, जिसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंपली आप जिस भी वेबसाइट पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको robot.txt फाइल उसकी एक्सेस करनी है, और उसके बाद वहाँ पर आपको चेक करना है डिसअलाउ जो भी
सेक्शंस या फिर सब डोमेन्स जहाँ पर डिसअलाउ बटन लगा हुआ है उसको आपको चेक करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिन पैनल, इसमें डिसअलाउ है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टैब में और यहाँ पर हम टाइप करते हैं, इसको मैं tesla.com को कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और robot.txt को हटाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिन पैनल। इसको हम ट्राई करने वाले हैं कि इसको हम एक्सेस कर पाते हैं या फिर नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे /admin/, उसके बाद हम इसको इंटर कर देंगे और फिर इसको हम ओपन करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर रहा है। तो इसी तरह से आप जितने भी यहाँ पर आपको डिसअलाउ सब डोमेन्स मिलते हैं उन सभी को चेक करना है और वहाँ पर आपको कोई जूसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको कलेक्ट करना है। और अब जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ उसी की मदद से आप मेन वल्नरेबिलिटी निकाल सकते हैं। सो इसको आप ध्यान से देखिएगा। सो गाइस, हम सेकेंड मेथड में जानने वाले हैं डिस्कवरी ट्रैवर्सल के बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमें डिस्कवरी ट्रैवर्सल के बारे में पता है, बट जो इसका मेन पावर है वो आप लोग एक्चुअल में नहीं जानते हैं। इसकी मदद से आप किसी भी वेबसाइट के अंदर घुस सकते हैं। लाइक जैसे कि मान लो आप किसी चीज़ को वहाँ पर सर्च कर रहे हैं जो सिर्फ एडमिन लोग ही उसको एक्सेस कर पाते हैं, और अगर वहाँ पर नॉर्मल लोग ट्राई करते हैं तो आपको वहाँ पर शो हो जाता है 403 फॉरबिडन और 404 फॉरबिडन, तो उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ दिखाता है 404 फॉरबिडन, बट वहाँ पर कंटेंट्स होती हैं जो कि हम लोग नहीं देख सकते हैं। वो सिर्फ एक्सेसिबल होते हैं डेवलपर या फिर एडमिन के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी डायरेक्टरी है जहाँ पर आपको डिनाइड परमिशन मिली है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने tesla.com एडमिन के अंदर जाकर इसको ट्राई किया कि हम इसको एक्सेस कर पाते हैं या फिर नहीं, तो यहाँ पर मुझे प्रॉक्सी सर्वर रिफ्यूज कर रहा है। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर 403 फॉरबिडन दिखता है या फिर 404 फॉरबिडन करता है, तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है कि जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसअलाउ के अंदर /content/* है। अभी इसको मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर न्यू टैब में ओपन करके इसको मैं tesla.com/content/* करके चेक करूँगा। अगर मुझे वहाँ पर 403 फॉरबिडन दिखता है तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ब्रूट फोर्स अटैक की तरह ही रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट डालूँगा, जिससे क्या होगा कि अगर कोई पोर्ट ओपन है तो वहाँ पर हमें ट्रांसफ़र कर देगा। और अगर आप फेमिलियर हैं या फिर आप यहाँ तक पुगे हैं इस कोर्स को लेकर, तो आपको बेसिक कमांड्स या फिर आपको लिनक्स यूज करना आता ही होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे हम बैक डायरेक्टरी में जाने के लिए cd --... यूज करते हैं, इसी तरह से आप यहाँ पर भी अगर आपका ब्रूट फोर्स अटैक सक्सेसफुल होता है, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर टूल्स में यूज करके दिखाने वाले हैं, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे एडमिन पैनल में एक्सेस नहीं मिला, बट मैं क्या करता हूँ यहाँ पर और स्लैश लगाकर और भी रैंडम नंबर या फिर कीवर्ड्स ऐड करके उसका एक्सेस पा लेता हूँ। तो वहाँ पर मुझे क्या करना होता है कि जैसे ही मैं यहाँ पर एक्सेस पाता हूँ, बट क्या है जो मैंने यहाँ पर रैंडम नंबर या फिर कीवर्ड्स लगाए हुए हैं तो सिर्फ मुझे उसी का एक्सेस मिला हुआ है, मुझे एडमिन एक्सेस नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं स्लैश लगाकर जैसे हम लिनक्स में बैक जाते हैं उसी तरह से हम यहाँ पर स्पेस करके .. करके बैक जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप जो एडमिन पैनल है उसका भी एक्सेस निकाल सकते हैं। डायरेक्टली तो आप वहां पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो 403 फॉरबिडन या फिर 404 फॉरबिडन दिखा देगा, बट अगर आप ब्रूट फोर्स अटैक की मदद से वहां पर किसी कीवर्ड या फिर किसी नंबर की हेल्प वहां पर पहुंच जाते हैं तो वो आपके लिए समझ लीजिए कि एक तरह का आपको वल्नरेबिलिटी मिल जाता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि वहां पर जैसे हम लिनक्स में यूज करके बैक जाते हैं उसी तरह से आप यहां पर स्पेस करके .. करके बैक जाकर उस एडमिन पैनल का एक्सेस ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, बट आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बेसिक चीज़ नहीं है, इसकी मदद से आप बहुत बड़ी बग बाउंटी पा सकते हैं या फिर इसकी मदद से आप अपने पेनिट्रेशन टेस्टिंग या फिर अपने नेम को हॉल ऑफ फेम में डाल सकते हैं। सो गाइस, ये था हमारा आज का सेशन जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे आप मेटा फाइल या फिर robot.txt की मदद से आप किसी भी वेबसाइट की फॉरबिडन डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे आप और भी एडवांस तरीके से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और वल्नरेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।